हमें T20 का वर्ल्ड कप भी फाइनल के अंदर जाके हरा दिया था और अब टेस्ट सीरीज भी हरा दी है हमसे, तुम लोगों को क्या मसला क्या है? क्या हर चीज के ऊपर आके हमें पकड़ा हुआ तुम लोगों ने और चमाटे मार रहे हो यार? पाकिस्तान और जीत लिया और अपनी मर्जी से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, अपनी मर्जी से उन्होंने बैटिंग की है, जैसा दिल चाहता था बैटिंग की है, प्रेशर में लगे कोई विकेट ना लियो। बहुत अच्छे के बाद ऐसा हुआ है, सारी की सारी विकेटें स्पिनर ने ली, इसमें सबसे अहम किरदार ये। कल रात सोते हुए नींद में दो बार वो मैच देखा मैंने कल वाला। फिलहाल दोस्तों गोबर हजम साले। बेन स्टोक्स ने जो है वो पर्टिकुलरली हमको चैलेंज किया और जिस तरह वो चैलेंज बेन स्टोक्स ने किया वो चैलेंज हम पूरा नहीं कर सके। उन्होंने पूरा टेस्ट मैच जारी था जो कि अब खत्म हो चुका है, लेकिन एक बार फिर रिजल्ट इंग्लैंड के फेवर में आया है, तो जो थोड़ी बहुत हमारी उम्मीदें थी मुजम्मिल कि पाकिस्तान दूसरा मैच तो एटलीस्ट जीत जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका भाई का चैनल कल्ली मीडिया लेटेस्ट इंडिया। दोस्तों क्या ही बात की जाए यार, पाकिस्तान को इंग्लैंड ने दूसरा टेस्ट मैच बहुत ही आसानी से हरा दिया और पाकिस्तान को नेस्ट नाबूद कर दिया। पाकिस्तान की पाक मीडिया की सारी उम्मीदों पर इंग्लैंड ने हराया है, उसे देखकर पाक मीडिया को लग इंग्लैंड ऐसी तरह भी हराएगा। 27 रनों से इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया और पाकिस्तान को पूरी एक तरफा ही दूसरे दिन में ऑल आउट कर दिया। और दोस्तों इस पर पाक मीडिया का क्या रिएक्शन आया देखने के लिए शुरू करते हैं मज़ेदार वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक चैनल और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। सीरीज भी हम इन लोगों से हार गए थे होम सीरीज के ऊपर ही, उसके बाद जो है इन्होंने हमें T20 का वर्ल्ड कप भी फाइनल के अंदर जाके हरा दिया था और अब टेस्ट सीरीज भी हरा दी यार हमसे, तुम लोगों को क्या मसला क्या है? क्या हर चीज के ऊपर आके हमें पकड़ा हुआ तुम लोगों ने और चमाटे मार रहे हो यार? हमें मारने का तो जैसे इनको सवाब मिल रहा है यार। वो वसीम वकार शोएब ने जो तुम लोगों के साथ किया था, जो तुम लोग हंस रहे होते थे ना, वो बॉलर्स हमारे जो इनके ऊपर हंस रहे होते थे इनकी बैटिंग के ऊपर, उनका सारा बदला हमसे ले लिया इन्होंने। फिर अब वो टाइम याद आ रहा है जब हम मिसबा को गालियां दिया करते थे, उसको कहा करते थे कि भाई मिसबा ने जो है कौन सा कोई तुरे मार दिए इंग्लैंड को, जो अगर होम सीरीज के ऊपर होम कंडीशन के अंदर हरा दिया तो कौन सा बड़ा तुरा मारा। अब देख लो होम कंडीशन के अंदर भी हम इनके करीब भी नहीं आ सकते। फिर भी यार क्या है, कोई जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेल ली मेरे दोस्त, डिसीजन दी गई है जिसके ऊपर ये आउट था या नहीं था, जो भी हो ओवरऑल बेहतर क्रिकेट किसने खेली, इंग्लैंड ने ही खेली थी, तो डिजर्विंग विन जो है वो इंग्लैंड की ही थी। ये जब टेस्ट सीरीज शुरू भी नहीं हुई थी उस वक्त से मैं एक ही बारे में बात कर रहा हूं कि ये सारी की सारी जो होती है ना हमारे एक सेशन के अंदर आके हम कोई ना कोई ऐसा गंद फेर देते हैं। अभी भी इस मैच के अंदर हमने जो फर्स्ट इनिंग्स के अंदर कोलैप्स किया, 3 दिन भी पूरा नहीं हुआ और इंग्लैंड टीम जीत गई है और अपनी प्लानिंग की वजह से जीती है, अच्छी क्रिकेट खेल ली है। अभी 6 महीने हुए कप्तान और कोच को बने हुए और प्लान देखे वो कितना क्लैरिटी के साथ वो आए हैं पाकिस्तान और जीत लिया और अपनी मर्जी से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, अपनी मर्जी से उन्होंने बैटिंग की है, जैसा दिल चाहता था बैटिंग की है, प्रेशर में लगे ही नहीं है, बॉलिंग भी जैसा दिल चाहता था वैसी बॉलिंग की है, जब ब्रेक थ्रू चाहिए था ब्रेक थ्रू मिल जाता था। आज देखें जैसे आउट करवाया बेन स्टोक ने नवाज को, ठीक है उसने थोड़ा सा मैच बनाया लेकिन गलतियाँ हमारी भी हैं यहाँ तक आने के लिए। क्या फहीम अशरफ नंबर 6 का बैट्समैन है, सलमान अली अगर 8वें नंबर का बैट्समैन भेजने के लिए कोच खुश है, वो प्लेयर ने कहा प्लेयर इसी में खुश होगा कि ठीक है मेरा कोच खुश है तो ठीक है, मैं मैच नहीं फिनिश कर सका तो कोई बात नहीं, लेकिन यह है कि मैंने अपने कोच को तो खुश कर दिया। मेरे जैसा होता ना तो पूछता कि ये क्या खेला है, मैच खत्म कोई भी विकेट नहीं लीजिए, पहली दफ़ा हुआ है आई थिंक 1987 के बाद पाकिस्तान में मैच हो रहा है और फास्ट बॉलर ने कोई विकेट ना ली हो। बहुत अच्छे के बाद ऐसा हुआ है, सारी की सारी विकेटें स्पिनर ने ली, इसमें सबसे अहम किरदार है, ये टेस्ट मैच में 20 आउट कर सकती है किए भी हैं, मगर ये टोटली मुझे नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान ये इस बॉलिंग लाइन से कोई मैच शायद जीत सके। उसके मुतबादल अगर इंग्लैंड की बॉलिंग लाइन देखें, एक्सपीरियंस बॉलर एंडरसन भी खेल रहा था, हमने एक्सपीरियंस बैटर को अजहर अली को भी इस मैच में बाहर बैठा दिया, यंग को मौका दिया, कोई काम ना आए। स्पेशली बहुत अरसे के बाद ऐसा लगा कि पाकिस्तान की पेस बॉलिंग बिल्कुल स्लो एंड स्लो, पाकिस्तान ने बड़े बड़े फास्ट बॉलर प्रोड्यूस किए, बड़े बड़े स्विंग करने वाले बॉलर पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए, नाम लेने की बात नहीं है, बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे हैं, मुझे बिल्कुल इसमें कोई ऐसी तड़प नजर नहीं आ रही थी स्वाये ब्रार के, उन्होंने डेब्यू भाई की कई दिनों से, लेकिन कल रात ऐसी नींद आई ना भाई। कल रात सोते हुए नींद में दो बार वो मैच देखा मैंने कल वाला। फिलहाल दोस्तों
बेगैरत गोबर हजम साले एक नहीं दो दो हार गए, वो शर्म नाम की कोई चीज है ही नहीं इनके अंदर। भाई इंडिया का एक प्लेयर अगर कुछ नहीं कर पाता ना तो ये पूरा पाकिस्तान और उनकी जो मीडिया है वो उस दिन झूलती रहती है, हिलती रहती है, बोलती रहती है, 24 आवर्स कंटिन्यू बोलती रहती है। लेकिन यहां पर सांप सूंघ गया है सालों को बैन स्टॉक कर दिया सालों का अंग्रेजों ने अरे भाई क्या बोलूं यार, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन बोल। पहला मैच जो कि पिंडी में हमने सामना किया शिकस्त का, वहाँ पे भी बेन स्टोक्स मेड अ मैच आउट ऑफ इट, और बेन स्टोक्स ने जो है वो पर्टिकुलरली हमको चैलेंज किया, और जिस तरह वो चैलेंज बेन स्टोक्स ने किया वो चैलेंज हम पूरा नहीं कर सके। उन्होंने पूरा गेम हमारे लिए सेट करके बिछाया था कि वेदर जीतना है तो आप जीते वरना हम जीत जाएंगे, और वही हुआ कि वो जीत गए। यही मुल्तान टेस्ट में इस तरह हुआ, वी हैड एम्पल इनफ टाइम, वक्त बहुत था, मगर ये पिच ऐसी थी जिस पे मेरा ख्याल से द बेस्ट डिफेंस वॉज टू अटैक बैक, और वो ज़रा हम लैक करते हैं अटैक करने में। कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद। दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने सेकेंड इनिंग स्पेशली बहुत अच्छी खेली, पहली इनिंग में जो वो लीड ले गए वो हमने थोड़ी सी ज्यादा लीड दे दी थी, अदरवाइज नॉट। टेस्ट मैचेस को अगर मैं सामने रखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि बेन स्टोक्स लिटरली अपनी टीम को तो मैनूवर करके यूटिलाइज करके अपनी रिसोर्सेस को वो खेल ही रहे हैं, मगर साथ ही साथ वो हमें खिलवा रहे हैं। क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच जारी था जो कि अब खत्म हो चुका है, लेकिन एक बार फिर रिजल्ट इंग्लैंड के फेवर में आया है। तो जो थोड़ी बहुत हमारी उम्मीदें थी मुजम्मिल कि पाकिस्तान दूसरा मैच तो एटलीस्ट जीत जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। बिल्कुल, और अब हम ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट पाकिस्तान जो है ICC टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस से अब बाहर हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के जो 5 मैचेस थे 5 में से पाकिस्तान को 4 जीतना लाजमी थे, अब वो 2 हार चुका है, अब बकिया 3 मैचेस हैं जिसमें 1 इंग्लैंड और 2 न्यूजीलैंड के साथ है, तो इट मींस के अब हमारा कोई चांस नहीं है। मैथमेटिकली थोड़ा सा चांस बनता है लेकिन पॉसिबल है, तो इट मींस के हम टेस्ट चैंपियनशिप से तो उसका जो फाइनल है उससे बाहर हो चुके हैं। इसी साल हमने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, उसमें भी हम नहीं जीत पाए, तो कुछ लैकिंग्स नज़र आ रही हैं जिस पर बात करना और जिस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। बाय द वे दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग कि हम दूसरा मैच भी हार गए और अब जो इंग्लैंड है वो 2-0 से लीड कर रहा है। दोस्तों इससे अच्छा तो इंग्लैंड पाकिस्तान को बुरी तरह भी हरा दिया, लेकिन पाकिस्तान से बदतर घर में रिकॉर्ड किसी की और कोई टीम का नहीं है। पाकिस्तान अपने घर में इतना बुरा खेलते कि उसकी बात ही मको। पाकिस्तान ने अब तक अपने घर में 5 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें से पाकिस्तान ने 2 ड्रॉ करवाए थे, वो भी ऑस्ट्रेलिया के सामने डेड पिच बनाकर, और इंग्लैंड के सामने भी उन्होंने डेड पिच बनाने की कोशिश भी की, फिर भी इंग्लैंड ने अपना जिगरा दिखाया और पाकिस्तान को हरा दिया, वो भी बहुत ही आसानी से हरा दिया, पहला टेस्ट मैच और दूसरा टेस्ट मैच भी। पाकिस्तान का टेस्ट क्रिकेट अब खत्म होने रहा है, ख़त्म ही हो गया है समझ लीजिए आप। ऐसी बुरी तरह से पाकिस्तान को हराया इंग्लैंड ने, वो भी घर में घुसकर इंग्लैंड ने कुत्तों की तरह धोया पाकिस्तान को पहले तो, और फिर बॉलिंग में भी धो दिया। तो इंग्लैंड ने साहस किया और अपनी बहादुरी दिखाई, उस बहादुरी की बदौलत उन्हें सेकेंड टेस्ट मैच में बहुत ही अच्छी और शानदार किस्म की जीत मिली, और इंग्लैंड ने डर कर पाकिस्तान की तरह बुजदिलों की तरह नहीं खेला, इंग्लैंड ने शेरों की तरह खेला, और आप देख ही सकते हैं कि दूसरा टेस्ट मैच भी इंग्लैंड जीत गया और पहला टेस्ट मैच भी इंग्लैंड जीत गया, और ये पूरी टेस्ट सीरीज जो कि 3 टेस्ट मैच की थी जो पाकिस्तान में थी वो इंग्लैंड जीत गया है 2-0 की बढ़त से। और अगर पाकिस्तान ऐसे ही पिचेस बनाते रहा, ऐसी बाबर आजम कैप्टनशिप करता रहा तो फिर पाकिस्तान कभी भी टेस्ट मैच नहीं जीत सकता, वो अपने घर में नहीं जीत सकते टेस्ट मैच, तो ये बाहर जाकर क्या ही टेस्ट मैच जीत सकते हैं। इससे अच्छा तो श्रीलंका अफगानिस्तान और बांग्लादेश का रिकॉर्ड अपने घर में अच्छा है।